अब कई घरों में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, वो कितना शुभ अशुभ हो सकता है पंडित जी? अर्पिता, वो तो फ्लैट हो या जमीन पर बना मकान हो, हर जगह सूर्य के किरणों की आवश्यकता जरूर है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई निवारण नहीं है। सूर्य का प्रकाश आपको चाहिए ही चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज शुभता पैदा करती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है, वो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश अगर घर में नहीं आएगा तो अकारण बीमारियां पैदा होती हैं, बिना वजह के बीमारियां परेशान करती हैं। आप चाहे फ्लैट में रहें चाहे मकान में रहें, ये बात जरूर देख लें कि घर में 24 घंटे में कुछ समय सूर्य का प्रकाश, दिन का उजाला जरूर आना चाहिए। ऐसे घरों में मत रहिए जहां दिन में भी लाइट जलाने की जरूरत पड़ जाए। ऐसे घरों में जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता, वहां पर बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा पैदा करता है, सूर्य का प्रकाश शुभता पैदा करता है, सूर्य का प्रकाश उन्नति पैदा करता है। और अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो बीमारियां जरूर होंगी और खास तौर से बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद का शिकार हो जाता है। अंधेरे वाले घरों में रहने पे डिप्रेशन होने की, नशे की आदत होने की संभावना जीवन में बन जाती है। ऐसे घरों में रहने पर भय और नकारात्मकता का अनुभव होता है, यानी डर लगता है, निगेटिव एनर्जी का अनुभव होता है, घर में घुसते ही भारीपन लगता है। आप घर में घुसते हैं, आपका सर भारी हो जाता है, आपको तनाव महसूस होता है। कारण ये है कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से पॉजिटिव एनर्जी पैदा नहीं हो रही है। और चूंकि पॉजिटिव एनर्जी पैदा नहीं हो रही है, इसीलिए घर में बीमारियां और डिप्रेशन आ गए हैं। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी, ये सूर्य की क्या पूरी किरणें आनी चाहिए या प्रकाश से आपका सूर्य से तात्पर्य? अगर रोशनी भी आपके घर में भरपूर आ रही है तो वो गुड साइन है? देखिए, सूर्य की रोशनी अगर किरणें आ जाए तब तो वो बहुत ही अच्छा है। थोड़े समय के लिए भी आए तो उन किरणों से बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर मान लिया किरणें नहीं भी आती हैं और दिन का उजाला भी पर्याप्त आता है कि दिन की रोशनी बहुत अच्छी घर में आ रही है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इससे भी आपके घर की अशुभता दूर होगी। चलिए अब जरा उपाय समझ लेते हैं। उपाय इस बात का कि अगर सूर्य की रोशनी आपके घर पर नहीं पहुंचती और घर ले चुके हैं तो ऐसे क्या उपाय करें ताकि अशुभता कम हो पाए? बिल्कुल, पहला उपाय तो आपको कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर करनी है जिससे आपके घर में उजाला आए, रोशनी आए। घर में शीशे की सहायता से या सुधार करके खिड़की बनवा के, रोशनदान बनवा के ऐसी व्यवस्था करिए, ऐसा सुधार करिए जिससे आपके घर में सूर्य का प्रकाश आए। रोज सवेरे अपने घर में 3 बार शंख बजाइए, घर की तरंगें बेहतर होंगी। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का 108 बार आपको जप करना है और घर में कम से कम लोहे का सामान आपको रखना है, यानी लोहे की बहुत सारी चीजें आपको अपने घर में नहीं रखनी है। अगर आपने इतना सब कर दिया और इसके बाद भी लाभ नहीं हो पा रहा है, तब आप अपना घर बदल दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि सूर्य के प्रकाश का और दिन के उजाले का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आता आपको व्यवस्था करनी है, अगर दिन का उजाला नहीं आता खिड़की बनवाइए, रोशनदान बनवाइए, ऐसी व्यवस्था करिए कि आपके घर में पर्याप्त उजाला आए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके घर में तमाम तरह की समस्याएं रहेंगी और वो समस्याएं आपको परेशान करेंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।